बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आपको मेरे एन किचन चैनल में खुश आमदी। व्यूवर्स, यकीनन आप खैरियत से होंगे, तो अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और आपके रिज़्क़ में बरकत फरमाए। तो व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं जी बहुत ही मज़ेदार और मशहूर रेसिपी, यानी कि बोम पाए। तो व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, तो चले जी हम चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। जी व्यूअर्स, मैंने ली हैं 2 किलो, मैंने बड़े पाए लिए हैं, उसको मैंने कट करवा लिया था, साथ में मैंने 1 किलो बोम ली है। तो इसका पहला प्रोसीजर ये है कि हम इसको बॉयल कर लेंगे ताकि इसकी जो स्मेल वगैरह वो निकल जाए। तो स्पाइसिस की तरफ आ जाएँ। मैंने जी लिया है 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया, हल्दी ली है 1 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून मैंने सूरत मिर्च लिया, तो 1.5 टेबल स्पून मैंने लिया जी धनिया पाउडर, ये मैंने लिया जी 2 बड़े प्याज मैंने लिए हैं, इनको मैंने बॉयल करना है। जब हम पेस्ट तैयार करेंगे तो उसमें लहसुन अदरक डालेंगे और अपने ये गरम मसाले साथ में शामिल करने हैं। 2 से 3 मिनट जी यूज करते हैं। जीरा है 1 चम्मच, 8 से 10 काली मिर्च और लौंग है, 4 से 5 सिनेमन स्टिक है, दालचीनी है, जैफ ऑयल है, जलवत्री है और 4 बड़ी इलायची। जी तो व्यूवर्स चले आए, पहले हम इनको बॉयल कर लेते हैं। जी तो व्यूवर्स, मैंने पानी बॉयल करने रख दिया था, अब हम इसके अंदर अपने पाए वगैरह शामिल करके तो इनको बॉयल करके तो इसका पानी स्ट्रेन कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स, इसको एक बॉयल आ जाता है तो मैं इसका फिर पानी ड्रेन कर लेती हूँ। तो व्यूअर्स देखें, मैंने इसका पानी ड्रेन कर लिया था और दूसरी साइड पे मैंने इसका पकाने के लिए पानी रख दिया, पानी को मैंने गर्म कर लिया था। व्यूअर्स, अगर हम ये पाए जो हमने बॉयल किए थे, अगर हम ठंडे पानी में ऐड करेंगे तो ये हार्ड हो जाएंगे, इसलिए मैंने इनको गर्म पानी में। व्यूअर्स, मैंने पाए डाल दिए इसके अंदर, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी साबुत गर्म मसाला। और 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे नमक, बाकी हम जब इसका मसाला भूनेंगे तो तब हम इसमें ऐड करेंगे अपने स्पाइसी। जी तो व्यूअर्स, ये तकरीबन 2 से 3 घंटे लगेंगे इसको पकने में, तो इसको ढक के। जी तो व्यूअर्स देखें, माशाल्लाह से हमारे पाए रेडी हैं, ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल ये जूसी से बन गए और देखें गल भी गए हैं, पाया भी हमारा बिल्कुल गल चुका है। व्यूअर्स, इसको मैंने गलाने के लिए आपको मैंने शॉर्ट वीडियो बताई थी, तो उसमें आप देख लें जाके। जी तो दूसरी तरफ आ जाए। व्यूअर्स, जो मैंने आपको प्याज बताया था उसको मैंने बॉयल करना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए, और इसको 1-2 बॉयल डाल करके तो फिर इसका हम पानी स्ट्रेन कर लेंगे और फिर इसको ग्राइंड कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स, हमने प्याज तड़का बनाना है इसका, हमने प्याज शामिल कर लिया है, अब इसके अंदर और शामिल करेंगे। और प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया। जी तो व्यूअर्स देखिए, प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसके अंदर हमने स्पाइसेस ऐड करने हैं। साथ में मैंने जो प्याज लहसुन और अदरक तो मैश किया था वो भी शामिल कर देंगे। इसके मसाले को भून लेंगे अच्छी तरह ताकि ऑयल जो है वो इसके ऊपर आ जाए। जी व्यूअर्स, तो देखिए मसाले ने अपना ऑयल छोड़ दिया, अब ऊपर से हम एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो उतार लेंगे। देखिए हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से भून चुका है, अब इसके अंदर हम पाए ऐड कर देंगे। जी
जी तो व्यूअर्स देखिए मैंने पाया ऐड कर दी है। अब इसके अंदर हम हाफ प्याली दही डाल के इनको दही के साथ भी भून लेंगे। मसाला दही के साथ अच्छी तरह से भून चुका है। अब जो मैंने पायों का पानी ड्रेन किया था वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। जी तो व्यूअर्स माशाल्लाह से देखें जी तो भी बस ये हमने पानी ऐड कर दिया। हम थोड़ा सा इसमें और पानी शामिल करके तो हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम दे रहे हैं। आपको इसको डिश आउट करते हैं हम। जी तो भी बस माशाल्लाह से देखें पाए रेडी हैं। देखें कितनी प्यारी लुक आई है इसकी। तो अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो मिल सके। तो चलिए जी हम मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।